हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। आप सभी को आज़ादी के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि हम लोगों ने तो आज़ाद देश में ही जन्म लिया है, हम लोग नहीं जानते कि परतंत्रता की बेड़ियां कैसी होती हैं। वो बहुत सारे लोग थे, बहुत से क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर, जिन्होंने बहुत कुछ न्यौछावर करके हमें ये दिन मुहैया करवाया है। आज जो हम खुले में सांस ले पा रहे हैं तो उनकी वजह से, तो उनको एक सैल्यूट बनता है। और एक प्रण लीजिए कि जो हमें एक टास्क मिला है, जिस काम के लिए हम लगे हुए हैं, वो काम हम शिद्दत से करेंगे। और अगर देश का हर नागरिक जो उसे काम मिला हुआ है वो शिद्दत से करेगा, तो यकीन मानिए हमारा देश बुलंदियों पर होगा, हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रण के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द हिंदू एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है कंटेंशियस क्राइटेरिया। कंटेंशियस क्राइटेरिया में जो कंटेंशियस शब्द है, इसका मतलब समझिए। पहली बात तो इसकी वर्ड कैटेगरी जानिए कि ये OUS दे रखा है, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। कंटेंशियस जो शब्द है इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात हमने क्या जानी कि कंटेंशियस जो शब्द है इसका जो वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में OUS आ रहा है, और इसका मतलब होता है डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल, या फिर आप इसे कहेंगे कंट्रोवर्शियल। तो डिस्प्यूटेबल या कंट्रोवर्शियल इसका मतलब है, विवादास्पद को हम बोलते हैं क्या, कंटेंशियस। क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरियन का प्लूरल है, एक वर्ड होता है क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन, इसका प्लूरल फॉर्म है क्राइटेरिया, ये होता है दायरा कह दीजिए। तो कंटेंशियस क्राइटेरिया है कि जो आपने क्राइटेरिया रखा है, जो आपने दायरा रखा है, वो कैसा है, विवादास्पद है। तो विवादास्पद दायरा है, ये इसका ट्रांसलेशन है। किस विषय पर लिखा गया एडिटोरियल? लिखा गया है पीएम उषा एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये एक योजना है पीएम उषा, उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। कोऑपरेटिव सहयोग को बोलते हैं, सहयोग पर आधारित कोऑपरेटिव होता है। और फेडरलिज्म का संघवाद, फेडरलिज्म का मतलब है कि भारत के अंदर स्टेट और सेंटर मिलकर काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, मतलब इन दोनों के बीच में एक स्टेबल सा बैलेंस हो, एक ऐसा संतुलन हो कि दोनों मिलकर काम करें, केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। तो ये किस पर लिखा गया एडिटोरियल है? पीएम उषा इस स्कीम पर और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर लिखा गया एडिटोरियल है, ठीक है। थोड़ा सा और देखें तो क्या कहना चाह रहा है, द सेंटर मस्ट रिविजिट, मस्ट है मतलब जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, सेंटर की वर्ब है वो मस्ट रिविजिट है, मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, रिविजिट यहाँ पे वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो केंद्र सरकार को जरूर से जरूर रिविजिट करना चाहिए, मतलब फिर से इसको देखना चाहिए, किस बारे में, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में, पीएम उषा के बारे में, उषा की फुल फॉर्म दे रखी है, एंड टेक ऑन बोर्ड डिसेंटिंग स्टेट्स। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई है, एक तो है टेक ऑन बोर्ड, टेक ऑन बोर्ड ये एक फ्रेज है, फ्रेज किस लिए है, क्योंकि शब्दों का समूह है, तीन शब्द दे रखे हैं, टेक है, ऑन है, बोर्ड है। टेक ऑन बोर्ड का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना मान लीजिए, या किसी को इन्वॉल्व करना मान लीजिए, शामिल करना मान लीजिए, ये मतलब होते हैं। कोई विचार है उनको स्वीकार करना कह दीजिए, या फिर आप इसको शामिल करना मान लीजिए। डिसेंटिंग क्या होता है? डिसेंटिंग यहां पे वैसे एडजेक्टिव है, डिसेंटिंग जो शब्द है इसकी वर्ड कैटेगरी जो यहां पे है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, डिसेंटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिसअग्रींग, डिसअग्रींग मतलब असहमत, डिसअग्रींग का मतलब असहमत, जो असहमत है, जो मतलब आपकी बातों से अग्रीमेंट नहीं रखते हैं, जो विवादास्पद स्थिति में है, ठीक है, आपके विचार अलग है, इनके विचार अलग है, उसको बोलते हैं डिसेंटिंग। यहां फिलहाल डिसेंटिंग जो है वो एडजेक्टिव है, स्टेट्स यहां पे नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। तो कह रहा है केंद्र सरकार को जरूर से जरूर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को रिविजिट करना चाहिए, फिर से इसको देखना चाहिए, और शामिल करना चाहिए उन राज्यों को जो राज्य कैसे हैं, डिसेंटिंग है, जो असहमत हैं, जो डिसअग्रीमेंट रखते हैं, जो राज्य जिनके विचार मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, उनको शामिल करना चाहिए, उनके बातों को स्वीकार करना चाहिए, ये इसका मतलब है। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से, उससे पहले जानकारी दे दूं आपको कि एक आप जो अपना चैनल है आशीष क्लासेस, यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं, उस पर SSC CGL 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं इन दिनों के अंदर, जहां हमने PQRS डिस्कस कर लिया है, कॉमन एरर्स डिस्कस कर ली हैं,
क्लोज टेस्ट चल रहा है, क्लोज टेस्ट का पार्ट नंबर 1 जिसमें 13 क्लोज टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 भी सैटरडे को अपलोड हो चुका था, उसके अंदर भी 13 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो इस प्रकार से 26 क्लोज टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, 13 रिमेनिंग है वो अगले पार्ट में आ जाएंगे। इसके बाद में अगला पार्ट जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं सारा जितना भी 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया वो सब करवा दूंगा। उन सभी का पीडीएफ जो पूरा पार्ट हो चुका है उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करेंगे, टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस की बात कर रहा हूँ। एक और टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेस क्विज के नाम से, वहां पर आपको पर डे क्वेश्चंस मिलते हैं, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अपना चैनल चल रहा है आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, जहां पर छोटे छोटे वीडियोज आपको मिलते हैं और उन वीडियोज में बहुत सारी चीजें आपको, बहुत से नॉलेजेबल चीजें फैक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये, इसका जो स्क्रीन पीडीएफ जैसा लिखा है वैसा का वैसा ये उपलब्ध होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, मैंने मॉर्निंग में ही अपलोड इसको कर दिया है, वो भी आप जाके देखिए। और साथ में एक वर्ड लिस्ट आपको मिलती है अलग से, वो भी आप देखा करें। तो बहुत सारा स्टफ है जानने सीखने वालों के लिए, कुछ करने वालों के लिए बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, ज़्यादा कुछ सोच विचार की ज़रूरत नहीं है, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या कहना चाहता है, कह रहा है बाई मैंडेटिंग, बाई प्रेपोजिशन है तो आगे आई एन जी लग गया, मैंडेट का मतलब क्या है लिख लीजिए, मैंडेट शब्द है ये, यहाँ पे क्रिया है, वैसे तो नाउन भी होता है ये, यहाँ पे इसको क्रिया मानिए क्योंकि आई एन जी लग रहा है और बाई के बाद है, तो वैसे तो मैंडेटिंग प्रेपोजिशन के बाद है तो इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन के रूप में ही होगा, लेकिन वैसे मैंडेट का मतलब बता देता हूँ वर्ब के रूप में क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑर्डर देना, किसी को कोई काम करने का आदेश देना, ये होता है क्या मैंडेट, आदेश देना, रिक्वेस्ट करना ये भी कह सकते हो। तो कह रहे हैं मैंडेटिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो, यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, इनको मैंडेट करके, इनको निर्देश देकर, इनको निर्देश क्या दिया है कि आप लागू करें, इम्प्लीमेंट करें मतलब लागू करें, किस चीज़ को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, और क्या करें, अडॉप्ट कंटेंशियस अकेडमिक क्राइटेरिया, अडॉप्ट मतलब अपनाएं, किस चीज़ को, कंटेंशियस मतलब विवादास्पद, अकेडमिक मतलब अकादमिक, क्राइटेरिया मतलब दायरा, ठीक है, वो अपनाएं, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है सो एज टू, मतलब इस उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू जो है इसका मतलब होता है सो एज टू, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या है, सो एज टू मतलब इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से अपनाना है, इस उद्देश्य से अपनाएं टू अवेल फंड्स, कि आप लाभ उठा सकें फंड्स का, अवेल का मतलब है लाभ उठाना, फंड्स का लाभ उठाएं किसके तहत, इस स्कीम के तहत, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपीयर्स, तो ऐसा करके जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा मंत्रालय है, ऐसा लगता है अपीयर होता है टू हैव मेड, कि इसने कर लिया है द सेंट्रल स्कीम एक्सक्लूसिविस्ट, कि जो सेंट्रल स्कीम है, केंद्र की जो योजना है उसको एक्सक्लूसिव बना दिया है, एक्सक्लूसिव का मतलब है सबसे अलग, थोड़ा डिफरेंट, उसको यूनिक को बोलते हैं, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिविस्ट कर दिया है, एक बार फिर समझेंगे। तो यहां एक्चुअल में सब्जेक्ट तो है ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसने क्या किया है, इसने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को आदेश दिया है, क्या आदेश दिया है, कि वो एनईपी 2020 को लागू करें, और क्या करें, जो विवादास्पद अकादमिक दायरा है उसको लागू करें मतलब अपनाएं, किस चीज़ के लिए, ताकि फंड्स का लाभ उठाया जा सके, किसके तहत फंड मिला है, इस स्कीम के तहत फंड मिला है, काम की बातें क्या हैं, सब्जेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वर्ब है अपीयर्स, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म, याद रखिए जब तुम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म देखते हो, टू के साथ बेस फॉर्म देखते हो, तब इसको तो हम बोलते हैं क्या, इन्फिनिटिव, टू के साथ बेस फॉर्म को तो क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं टू है, फिर हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, टू के साथ बेस फॉर्म को तो बोलते हैं इन्फिनिटिव, और टू के साथ परफेक्ट मतलब टू के साथ हैव है और फिर थर्ड फॉर्म है, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव कहा जाता है, ठीक है, तो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, टू के साथ हैव है फिर थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैंडेट का मतलब हमने जान लिया, और हमने जाना मतलब किसका, इसके अलावा कंटेंशियस का हम देख ही चुके थे, मतलब है ना, इम्प्लीमेंट का लागू करना होता है, तो ऐसा करके निर्देश देकर जो शिक्षा मंत्रालय है उसने सेंट्रल जो स्कीम है, केंद्र की जो योजना है, उसको एक्सक्लूसिविस्ट बना दिया है, द गाइडलाइंस, जो मार्गदर्शन है, गाइडलाइंस है फॉर द स्कीम, इस स्कीम के लिए, स्कीम कौन सी है, पीएम उषा स्कीम की बात कर रहा है, एन इम्प्रोवाइज्ड वर्जन, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या है, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब जो डिवाइज किया गया है, जो बनाया गया है, डिवाइज कह सकते हो, कॉनकॉक्ट कह सकते हो, इन्वेंट कह सकते हो, जो बनाया गया है,
वैसे इम्प्रोवाइज्ड का मतलब ये भी होता है जो तुरंत बना है, एक्सटेम्पोर जिसको बोलते हैं कि कोई भाषण बोलने के लिए आपको कहा गया और तुरंत आपको एक स्पीच दिया गया, आशु भाषण जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि कोई आपको एक स्पीच बोलने के लिए कहा गया है और उसका शीर्ष, उसका जो टॉपिक है कि किस टॉपिक के तहत, किस टाइटल के तहत आप बोलोगे, वो स्पीच वो आपको उस समय ही प्रोवाइड करवाया जाए जब स्टेज पर हो, उसको बोलते हैं आशु भाषण। तो यही है इम्प्रोवाइज्ड का मतलब, एक्सटेम्पोर होता है, तुरंत फुरंत है ना, तुरंत। तो ये कह रहा है कि जो गाइडलाइंस है इस स्कीम के लिए, जो कि एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, उसी का इम्प्रोवाइज वर्जन है, उसी से बनाया गया है, ठीक है। टू इंश्योर, किस लिए, सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करना है, इंक्रीज्ड एक्सेस, एक्सेस नाउन है, इंक्रीज्ड एडजेक्टिव है, कि स्टूडेंट्स का जो एक्सेस हो वो इंक्रीज्ड हो, बढ़ा हुआ एक्सेस हो, अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाए इससे। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, फेयरनेस, मतलब पक्षपात नहीं हो, समानता रहे, जस्टिस रहे। एन एक्सीलेंस, और उत्कृष्टता हो इन द स्टेट, राज्य में, हायर एजुकेशन सिस्टम विद सेंट्रल फंडिंग, मतलब स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, राज्य का जो उच्च शिक्षा कार्यक्रम है उसके तहत विद सेंट्रल फंडिंग, और जिसमें केंद्र सरकार फंडिंग आपको दे रही है। आगे क्या है, आगे गाइडलाइंस की वर्ब है वर, ये गाइडलाइंस रिलीज की गई थी, ये पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, कब, जून में। अब फिर समझो, सीधा सीधा सेंटेंस तो यहां से स्टार्ट करो, गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस किसके लिए, स्कीम के लिए, इस स्कीम के लिए जो गाइडलाइंस थी, जो भी मार्गदर्शन था, जो भी पॉइंट्स थे, रूल्स रेगुलेशंस थे, इनको रिलीज किया गया था जून में। ये इतनी ही कहानी है, बीच की कहानी कुछ अलग है, वो इसके बारे में परिचय है। इन जून दे रखा है, तो मंथ या ईयर का नेम आप देखते हो, जब भी कोई पर्टिकुलर मंथ की बात करते हो, पर्टिकुलर ईयर की बात करते हो, तो वहां पे इन लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो स्कीम है ये क्या है, ये एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है इस स्कीम का, किस लिए, ये इसलिए सुनिश्चित करने के लिए स्कीम लागू कर रहे हैं कि इसमें एक्सेस बढ़ेगा, साथ में फेयरनेस होगी, साथ में उत्कृष्टता होगी, किसमें, इस सिस्टम में, इस राज्य के जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें, और यहाँ पे सेंट्रल फंडिंग मिलेगी, ठीक है। फिर कह रहा है ओनली 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव जॉइंड द पीएम उषा, केवल 22 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। ये हो गया सब्जेक्ट आपका, इसकी वर्ब होगी हैव जॉइंड, इन्होंने ज्वाइन किया है इस स्कीम को। विच रिक्वायर्स, जिसको की आवश्यकता है, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब ये जो विच आ रहा है ये इस पूरी कहानी के लिए आ रहा है, केवल इतनों ने ही शामिल हुए हैं इस स्कीम में, इसमें आवश्यकता किस बात की है, विच की वर्ब है वो रिक्वायर्स है, ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बी साइंड, जहां तुम ये MOUs देखते हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को शॉर्ट में कहते हैं MOU, वैसे कहते हैं अग्रीमेंट, एक प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मान लो, अनुबंध मान लो, ठीक है। तो केवल 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने ज्वाइन किया है पीएम उषा को, इसमें आवश्यकता किसकी है कि एक बॉन्ड साइन कराया जाए या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए, किसके बीच में, एक तो राज्य होगा, दूसरी तरफ पार्टी कौन होगी, दूसरी पार्टी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मतलब जो शिक्षा मंत्र, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट की आवश्यकता है इसके लिए। आगे कह रहा है वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने और केरला, ये 14 राज्यों के बीच, मतलब 14 जो स्टेट्स हैं उनमें ये तीन राज्यों के नाम बताए हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, ये उन 14 राज्यों में है और यूनियन टेरिटरीज में है। विच हैव रिफ्यूज, जिन्होंने मना कर दिया है, विच आ रहा है इन राज्यों टेरिटरीज के लिए, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया है टू गेट ऑन बोर्ड, गेट ऑन बोर्ड का मतलब है शामिल होना, इन्वॉल्व होना, इन्होंने मना कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे इस स्कीम को, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, इनकी वर्ब है आर, ये उन 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इन टेरिटरीज और स्टेट्स के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब हैव है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो इन राज्यों ने और इन यूनियन टेरिटरीज ने मना कर दिया है कि हम शामिल नहीं होंगे, अपार्ट फ्रॉम इम्ब्रेसिंग, इम्ब्रेस का मतलब क्या है, अपनाना, अडॉप्ट करना, वैसे इम्ब्रेस होता है गले लगना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है अपनाना, गले तो किसके लगोगे यहाँ पे, तो अपनाना है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है इसको अपनाने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा, एक्सेप्ट मतलब इसको अपनाने के अलावा, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड्स, ये जो एक एग्रीमेंट है, ये जो बॉन्ड है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें शामिल है क्या, शामिल है इंटर एलिए कमिटमेंट फ्रॉम स्टेट्स एंड अडॉप्टिंग गाइडलाइंस फॉर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब ये जो इंटर एलिए दे रखा है, ये एक एडवर्ब है, ये लिख लीजिएगा, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है
इनके बीच है ना, अमंग देम मतलब और चीजों के बीच, ये भी है, ये एक एडवर्ब है, इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, एडवर्ब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाकी चीजों के बीच, है ना, अमंग अदर थिंग्स, लिख लीजिए, इसका मतलब है अमंग अदर थिंग्स, ये मतलब है इसका, अमंग अदर थिंग्स। तो क्या कह रहा है कि एनईपी 2020 को अपनाने के अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में शामिल है इंटर एलिए कमिटमेंट फ्रॉम स्टेट्स, मतलब बाकी चीजों के बीच एक चीज क्या है कि यहां प्रतिबद्धता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए राज्यों की तरफ से, राज्यों की तरफ से एक प्रॉमिस चाहिए, कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, प्रॉमिस क्या, ऑन अडॉप्टिंग गाइडलाइंस फॉर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है उसके लिए इनकी गाइडलाइंस को भी अपनाना पड़ेगा, ये भी शामिल है, समझ रहे हो, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये कैपिटल लेटर में दे रखा है, इसका मतलब नाम है, यहां पे भी देखो कैपिटल लेटर में दे रखा है इसलिए नाम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बाकी चीजों के बीच इसमें यह भी शामिल है कि यहां पे कमिटमेंट होना चाहिए स्टेट्स की तरफ से कि वो इन गाइडलाइंस को भी अपनाएंगे, जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है उसके लिए जो गाइडलाइंस है उनको भी अपनाएंगे। विदाउट अग्रींग टू दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस के सहमत हुए बगैर, विदाउट अग्रींग टू दीज कंडीशंस, अग्री के साथ टू तब लगता है जब हम किसी पॉइंट पर, किसी प्रपोजल पर सहमति की बात करते हैं, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनसे सहमति की बात है, टू लगेगा। तो बगैर सहमत हुए, विदाउट लग गया, प्रेपोजिशन तो आगे आईएनजी लगना ही था प्रेपोजिशन के बाद में, तो इन शर्तों से सहमत हुए बगैर स्टेट्स कैन नॉट अवेल ऑफ ए शेयर, तो स्टेट्स जो है इन फंड्स में से कोई हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अवेल का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, अवेल किस चीज को करना है उसके लिए ऑव लगता है, अवेल जिस चीज को करना है उसके लिए ऑव लगेगा, ठीक है। तो ये स्टेट्स जो है, ये जो फंडिंग सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उसमें से कोई हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एन आउटले, आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, या इसे कहोगे एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चे को बोलते हैं क्या, आउटले। तो कह रहे हैं एन आउटले ऑफ 12,926.10 करोड़, इतना खर्चा, इतने करोड़ रुपए का खर्चा, कब कब, इन दोनों सालों में, बिटवीन दे रखा है तो बिटवीन के साथ एंड लगता है, तो 2023-24 और 2025-26 वाला सत्र है उसमें इतना रुपए जो है ईयर मार्क्ड, ईयर मार्क्ड मतलब सेट असाइड, इसको एक तरफ रख दिया गया है, मतलब इसको अलग से रख दिया गया है, किस लिए, ताकि स्टेट रन हायर एजुकेशन जो है, वो उच्च शिक्षा जिसको स्टेट संचालित करता है, राज्य संचालित करता है, उसको सुधारने के लिए इतना पैसा अलग से बजट बना दिया गया है, ये मतलब है। दिस डेस्पाइट द फैक्ट, डेस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, याद रखना डेस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, डेस्पाइट के साथ में ऑव नहीं लगता है लेकिन इन स्पाइट में ऑव लगता है। ये जो चीज है, डेस्पाइट द फैक्ट दैट, इस फैक्ट के बावजूद कि 40% जो फंडिंग हैज टू बी बोर्न, इसको कौन वहन करेगा, बोर्न का मतलब है सहन करना, वहन करना, यहां पे इसका मतलब होगा अफोर्ड। तो 40% जो पैसा है वो कौन करेगा वहन, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, ठीक है। तो ये इस फैक्ट के बावजूद है कि 40% जो फंडिंग का है, जितनी फंडिंग ये सरकार कह रही है उसका 40% किसको वहन करना है, तो फंडिंग का 40% की वर्ब हैज टू बी बोर्न, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, ये बेयर की थर्ड फॉर्म है, बेयर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोर होती है सेकंड फॉर्म, बोर्न है थर्ड फॉर्म। तो 40% जो फंडिंग का है वो कौन वहन करेगा, उसको कौन उठाएगा, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जिस राज्य को फंडिंग मिलेगी उस राज्य की सरकार जो है उसका खर्चा उठाएगी, ठीक है भाई। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, आप लोग इसे मैक्सिमम शेयर करें और एक लाइक जरूर करके जाएं, कल मुलाकात होगी शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।